भी मैं हो रही थी बहुत ज़्यादा बोर, तो मैंने सोचा क्यों ना कुकिंग की जाए। तो आज बनाने वाली हूँ आलू वाले चावल, तो पता नहीं कैसे बनेंगे, लेट्स सी। इंग्रेडिएंट्स मैंने निकाल के रख दिए हैं। ये मैंने प्याज काट ली है, टमाटर कट कर लिए हैं, हरी मिर्चों को बीच से इस तरह से टक लगा लिया है, और चावल निकाल लिए हैं। अभी इनको मैंने भिगोया नहीं है क्योंकि ख़राब ना हो जाए। सो ये आलू मैंने छोटे छोटे साइज़ के कट कर लिए हैं, जितने मुझसे हो सके। सो बस अब करते हैं स्टार्ट नाउ। आज मैं अपने हाथ की ही तहारी खाऊंगी। ओके, इसको कर लेते हैं पहले वॉश। हो गया ये, इसका कोई सलूशन ही साफ़ करने का। एक तो हम इसके ऊपर ये भी नहीं मार सकते क्योंकि ख़राब हो जाएगा ये, और मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा ये किस तरह से साफ़ होगा। बहुत कोशिश की है मैंने इसको साफ़ करने की। चलो हो गया हमारे पतीली साफ। इसको थोड़ा ड्राई कर लेते हैं क्योंकि ऑयल डालूँगी तो इसकी छींटे मेरे ऊपर ही आएंगी। ये उसमें से कुछ अनियन मैंने निकाल लिया था सलाद के लिए, अब इसमें थोड़ा सा डालेंगे नमक और इसको करते हैं वॉश। इसको रखते हैं थोड़े देर पानी में डिप ताकि इसकी जो करवाहट है वो जल्दी से निकल जाए। हो गया चूल्हा रेडी और बस स्टार्ट करते हैं बनाना। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी है तो ये थोड़ा ड्राई होते फिर इसमें डालेंगे ऑयल। फ्लेम मैंने कर दिया स्लो क्योंकि बहुत ज़्यादा खुला हुआ था और हो चुका है पानी ड्राई। अब डालते हैं ऑयल, देखते हैं इसमें ऑयल। पहले मैंने इसमें डाल दिया गरम मसाला और हुए पानी था लगता है इसके अंदर, तभी इसकी इतनी आवाज़ आ रही है। अब इसमें डल रही है प्याज और चलो सिंगारियाँ देखिए कैसे उठती हैं। ओके, अभी प्याज तो करते हैं हम लाइट सा ब्राउन। इसमें मैंने तीन हरी मिर्ची कट करके वो डाली हैं क्योंकि हरी मिर्चों का टेस्ट ऑयल में बहुत मज़े का आता है। ओए होए होए, ये फट भी हो रही है। अभी थोड़ी ब्राउन हो जाए फिर हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन और टमाटर। ये अब हम इसी में मसाले डाल रहे हैं। मैंने डाली कुटी मिर्च, नमक, ये गर्म मसाला मैं डाल चुकी हूँ पहले, और अब इसमें डली है बाकी हल्दी। इसमें डाल दिया है हमने बाकी बचा हुआ मसाला अदरक लहसुन के साथ। अब इसको थोड़ा सा भूनेंगे ताकि टमाटर जो है वो थोड़े नरम हो जाए। चले जी बैठ करते हैं। इसके अंदर आलू जो मैंने बारीक 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 कट कर लिए थे, और मसाले के साथ भी आलू भी बहुत अच्छे से ना भुन जाएंगे, टमाटर खुद ही इसमें नरम हो जाएंगे। दो मिनट हो गए हैं आलू की भुनाई को और देखिए पानी भी ड्राई हो चुका है और ऑयल भी हल्का हल्का ऊपर आ रहा है। तो अब इसमें हम ऐड करेंगे वाटर, क्योंकि आलू जो है इतना बारीक कटा हुआ है तो मैं पानी कम डालूंगी क्योंकि चावल में भी गलेगा और ऐसे भी गलेगा तो ये जल्दी गल जाएगा। अब इसको थोड़ी देर के लिए हम करते हैं कवर जब तक इसका थोड़ा पानी भी ड्राई हो जाएगा। फ्लेम को थोड़ा करते हैं लाइट। ओके, दैट्स गुड। अब मैं बनाने वाली हूँ रेड चटनी। चलो बनाते हैं लाल वाली चटनी। कहते हैं बन गई है मेरी रेड चटनी, जो कि पुलाव तहारी के साथ बहुत ही मज़ेदार लगती है और ये बहुत सारे लोगों की फेवरेट है। मेरी मामा बनाती हैं, वो बिल्कुल ही अलग रेसिपी से बनाती हैं, उनके तो कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता उनकी रेड चटनी। ऑफ आई रियली मिस यू मामा। और बस अभी मैंने कुछ इस तरह की चटनी बनाई है। टमाटर, सॉरी मैंने आप लोगों से रेसिपी शेयर नहीं की, मुझे लगता है सबको आती है तकरीबन ये चटनी बनाना। मैंने इसमें वैसे भी टमाटर, कुटी मिर्चें और ज़ीरा, नमक और लहसुन डाला था और इसको ग्राइंड कर लिया तो ये कुछ इस तरह की बन गई। थोड़ी सी पतली हो गई है पर चलेगा। ये है चटनी और ये है सलाद, दोनों चीज़ें हो चुकी हैं रेडी। अब बस इंतज़ार है तो खाने का। ओह क्या मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। थोड़ा सा और पानी ड्राई कर लेते हैं फिर डालेंगे इसमें चावल। चावलों को मैंने भिगो लिया था और बस अब इसको ऐड करेंगे।
मेरी आदत है, मैं खाना बनाते बनाते ना किचन को साथ साथ साफ कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत बुरा लगता है मैसी किचन और मैसी किचन में खाना बनाना। तो इसलिए पहले मेरी आदत है, मैं पहले किचन साफ़ करती हूँ और खाना बनाते टाइम भी किचन की सफाई करती रहती हूँ, क्योंकि मुझे पहले किसी से बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। कितना मुश्किल है खाना बनाना। थोड़ा सा रेस्ट कर लिया जाए। जिसकी आजकल में बहुत सब्जी हो चुके हैं आलू, अब डालते हैं इसमें चावल। ओके, ऐड कर चुकी हूँ मैं इसके अंदर चावल और पानी मैंने अपने हिसाब का डाल दिया है। ये मुझे क्वांटिटी वगैरह समझ नहीं आती, बस मैंने जो मुझे समझ आता है मैं वो डाल देती हूँ। तो खैर मैंने पूछ भी लिया था मम्मी से कि कितना डालना है पानी, तो बस अब इसको ढकते हैं और जब तक इसके बॉयल नहीं आते फिर इसमें नमक चेक करेंगे। ओके, चूल्हा थोड़ा सा बढ़ा देते हैं हम। चलो जी चलते हैं वापस ड्रामे की तरफ। ओह माय गॉड, इतना जुल्म कर रहे बेचारे के साथ। देख लेते, ओह माय गॉड, दम पे मैंने इसको लगा दिया और अब इसको दम पे एटलीस्ट 5 मिनट्स तक लगा रहने देंगे। हो गए हैं 5 मिनट, अब खोलते हैं दम। वाओ, धुएं चेक करें। आई थिंक हो गए हैं चावल। ओहो, मेरा पूरे कैमरे में भाप आ गई। चलो खाने, अब आ जाती हैं खाना खाने की। तो मैंने अपनी डिश कर ली है रेडी और खा के बताती हूँ फ्लेवर कैसा है। इट्स टाइम टू टी टाइम एंड हम लोग देख रहे हैं साथ साथ ड्रामा। बाल ना बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया, मुझे हेयर फॉल हो रहा है, ऐसे कर रही हूँ और पूरे पूरे बाल हाथ में आ रहे हैं, पता नहीं क्या होता है, और नीचे से बहुत ज़्यादा डैमेज भी हो रहे हैं। तो सुबह करेंगे इसका ट्रीटमेंट, वही मेरा ट्रीटमेंट, एक अंडा और एलोवेरा जेल, कोकोनट ऑयल, और क्या डालती हूँ मैं इसके अंदर, एलोवेरा जेल, कोकोनट ऑयल और दही, सॉरी अंडा नहीं, दही, एलोवेरा जेल, कोकोनट ऑयल और बस इनको मिक्स करके अच्छे से सर पर लगाती हूँ, तो मेरे बाल बिल्कुल स्मूथ, फ्रेश और अच्छे हो जाते हैं। खैर अभी तो पता नहीं क्यों हेयर फॉल चल रहा है, शायद मौसम की वजह से चल रहा है। तो बस, और अगर आपके पास भी कोई अच्छा सा ट्रीटमेंट है तो ज़रूर शेयर करें अपना ट्रीटमेंट, लेकिन मेरी रेमेडी बहुत बेस्ट है मेरे लिए। तो आज का मेरा ब्लॉग करते हैं यहीं पे एंड, और आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और यस, आज मैंने बनाए थे जो आलू वाले चावल, वो बहुत मज़े के बने थे, अकॉर्डिंग टू मी। और बाकी अम्मी ने भी कहा था कि हाँ अच्छे बने, पापा ने कहा कि अच्छे बने पर नमक थोड़ा सा कम था, सो खैर मुझे इतना फील नहीं हुआ। तो बहुत अच्छा रहा आज का मेरा एक्सपीरियंस, काफ़ी टाइम बाद मैंने आज बनाए थे खुद से आलू वाले चावल। तो होप मेरी वीडियो आपको आज अच्छी लगी होगी, तो मेरे लाइक, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।